YouTube पर व्यूज बढ़ाने के लिए या फिर अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए दो ही बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। मैं आपको और भी लाइव एड लगाकर दिखाऊंगा जिससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। पहला है इम्प्रेशन। इसका मतलब है कि व्यूवर्स के मोबाइल पे आपका वीडियो दिखना। जब वीडियो दिखेंगे ही नहीं तो व्यूज आएंगे कहां से। और दूसरा है आपके कंटेंट से रिलेटेड ऑडियंस। मान लीजिए आप बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, एनिमल से रिलेटेड बनाते हैं, हेल्थ से, फूड से, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं, वो रिलेटेड आपको आपके व्यूवर्स नहीं मिल पाते हैं, ऐसे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है जो ये सब टॉपिक्स पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी वीडियोस का सही तरीके से कैसे प्रमोशन करें और किन बातों का ध्यान रखें कि आपकी वीडियोस एडवर्टाइजमेंट इनएलिजिबल होने से बच जाए। क्योंकि कई लोग एडवर्टाइजमेंट लगाते समय अपनी वीडियोस में कुछ छोटी बड़ी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से अच्छी तरीके से ऐड लगाने के बावजूद भी उनका ऐड रन नहीं हो पाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर मैं बिजनेस, स्टार्टअप और मार्केटिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात बताता रहता हूँ। अब मैं आपको अपना वीडियो एडवर्टाइजमेंट लगा के बताऊंगा जिसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाके एडवर्ड्स टाइप करना है। तो ये पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रीवियसली नोन एज एडवर्ड्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये कुछ पेज ऐसा खुलेगा। तो यहाँ राइट साइड पे आप ऊपर देखेंगे तो साइन इन और गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो इसमें साइन इन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो इसमें अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल के आई एम नॉट अ रोबोट पे टच कीजिए, उसके बाद नीचे गेट एन ऑफर कोड पे क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जिस भी मेल आईडी से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उस अकाउंट पे आपको एक कोड दिया जाएगा। जब आप पेमेंट अपना ऐड करेंगे उस वक्त ये कोड आपको यूज़ करना है, तब आपको आपका 2000 रुपये जो आपने खर्च किया है वो आपको वापस कर दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ की साइकिल में। अब यहाँ पे साइन इन करके आगे बढ़ते हैं। साइन इन करने के बाद यहाँ टूल्स एंड कैंपेन सेटिंग पे हमको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इस समरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है बिलिंग में जाके। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा फंड्स अभी दिखा रहा है इसमें, और यहाँ इसके नीचे ऐड फंड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप नया अकाउंट बनाएंगे अपना तो ऐड फंड्स में जाके आपको अपना पैसा ऐड करना है। तो जितना भी पैसा आप खर्च करेंगे लास्ट है इसका 2000 रुपये तक आपको वापस दे दिया जाएगा। यानी अगर आप सिर्फ 2000 रुपये ही ऐड करके खर्च करते हैं तो वो 2000 रुपये पूरे आपको वापस दे दिए जाएंगे। अब मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। तो हमें ये जो लेफ्ट साइड में ऊपर गूगल एड्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू कैंपेन्स का। तो इसमें न्यू कैंपेन्स पे क्लिक करके हम अपना वीडियो ऐड क्रिएट करेंगे। अब इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, ब्रांड अवेयरनेस, ये सब सारी चीज़ें अलग हैं। अगर इन सब चीज़ों पे एक अलग वीडियो चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो बना दूंगा। तो अभी हम वीडियो ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो ये क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल एंड गाइडेंस, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमें काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसमें हम वीडियो चूज़ कर लेंगे। वीडियो चूज़ करने के बाद यहाँ पे कस्टम वीडियो कैंपेन्स पे ही टिक रहने देंगे, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इसमें हमको यहाँ पे पूछेगा कैंपेन का नाम क्या है। तो कैंपेन का नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं आपको जिसमें याद करने में आसानी हो। तो आज 30 तारीख है तो मैं यही रहने देता हूँ। अब बिड स्ट्रेटजी इसमें क्या रखनी है हमको, मैक्सिमम। इस पर मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट सेट है, इसमें मैक्सिमम ही रहने देना है। कैंपेन टोटल, इसमें दो चीज़ें हैं। कैंपेन टोटल यानी आप अगर 5 दिन का लगाते हैं तो उसमें आपको टोटल कितना पैसा खर्च करना है, 100, 200, 500 जो आपका बजट हो उस हिसाब से आप कीजिए। तो मैं टोटल में 1000 कर देता हूँ। इसमें एक ये भी ऑप्शन रहता है कि अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपये हैं तो आप डेली कैंपेन करके 5 दिन का अगर लगाते हैं तो इसको
₹200 भी कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में ₹200 आपके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होंगे। तो अभी मैं टोटल कैंपेन लगा देता हूँ। स्टार्ट डेट इसकी आज से ही रहेगी और एंड डेट इसकी रहेगी 4 दिन बाद की। तो मैं 2 तारीख इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 फरवरी। तो अब इसमें देख रहे हैं नीचे आप कि इसमें पूरा ये बता दिया है कि 1000 का कैंपेन सेट हो गया है, ₹250 एक दिन का लगेगा, 4 दिन ये ऐड रन होगा। अब इसमें जैसे 1-2 दिन लग जाता है ऐड स्टार्ट होने में, तो अगर तब भी नहीं होता है तो बाकी के 2 दिनों में पूरा अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। अब ये नेटवर्क्स पे हमको क्लिक करना है। नेटवर्क्स पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऑप्शन समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें यूट्यूब सर्च रिजल्ट पे रहने देंगे, यूट्यूब वीडियोस पे रहने देंगे। वीडियो पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब ये है कि अगर गूगल एड्स दूसरे किसी ऐप पे अपने एडवर्टाइजमेंट सर्व कर रहा होगा तो वहाँ भी आपकी वीडियोस चले जाएंगी, तो वहाँ से सब्सक्राइबर्स आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसको मैं हटा दूंगा। इसको हटाने के बाद नीचे हम करेंगे ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, इंडिया या कोई अदर लोकेशन, ये आप करना चाहें तो ये आप कर लीजिए। जैसे हम इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं तो इंडिया को कीजिए, पूरे वर्ल्ड को करना चाहते हैं ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज को भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना कुछ अलग मैंने सेट कर रखा है तो मैं उसको टारगेट कर लेता हूँ। उसको टारगेट करने के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, या स्टार्ट टाइपिंग में जाके आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरी वीडियो हिंदी में है तो यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ इन्वेंट्री टाइप में जाना है तो यहाँ हमें किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर ये एक्सक्लूड टाइप्स एंड लेबल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस दिखाई दे रहा है, इस पे हमें इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद उसके नीचे जो है रिलेटेड वीडियोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वीडियो का। इसमें रिलेटेड वीडियोस में जाके जो आप ऐड करना चाह रहे हैं उसके अदर्स भी 3-4 अगर वीडियोस हैं आपके पास तो उनकी लिंक इसमें पेस्ट करनी है। तो इसमें मैं अपनी कुछ वीडियोस की लिंक पेस्ट कर देता हूँ। जैसे YouTube खोलना है, YouTube खोलने के बाद इस वीडियो का मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो इसको नहीं, इसको छोड़ के जो ये 2 वीडियोस हैं इसका गेट शेयरेबल लिंक करके इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा। एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 वीडियोस हो गई, फिर एक और, एक ये वाला भी हम ले लेंगे 3 डॉट्स पे क्लिक करके गेट शेयरेबल लिंक। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीडियोस को कर सकते हैं तो इसमें भी फ़िलहाल में मैं 3 ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ नीचे हम देखेंगे तो डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ डन करके इसको कर देंगे। फिर इसको और नीचे चलेंगे तो ग्रुप नेम दिखाई दे रहा है तो इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए या आप दूसरा ही इसमें नाम लिख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो ये डेमोग्राफिक्स दिया गया है तो इसको भी हम क्लिक करके अपने हिसाब से सेट कर लेंगे अगर कुछ चाहते हैं तो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है इन लोगों में ना जाए, बाकी कोई भी देख सकता है। जैसे किसी की कोई अलग वीडियो होती है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाता है तो वो चाहता है कि सिर्फ फीमेल्स को दिखाए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ मेल को दिखाए तो वो यहाँ से मेल फीमेल सिलेक्ट कर सकता है। उसके बगल में एज वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर पेरेंट है, नॉन पेरेंट है, हाउस होल्ड इनकम है, ये सब चीज़ें अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें हटा के बाकी सिलेक्ट कर के छोड़ दिया है। उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट, ऑडियंस सेगमेंट में क्लिक करेंगे तो हमारी ऑडियंस क्या है, वीडियो गेम खेलने वाली चाहिए हमको, कंस्ट्रक्शन जॉब वाली चाहिए, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सर्विस, ये सारे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं हमको। बिजनेस सर्विसेज हैं तो इसमें भी हमको ये काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं जिस भी किसी को हम टारगेट करना चाहते हैं।
तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ ऐसे ही, क्योंकि मैं अभी ऐसा कोई टारगेट नहीं कर रहा। कीवर्ड्स, इसमें कीवर्ड्स भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एंटर योर प्रोडक्ट और सर्विस का ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिजनेस, बिजनेस लिख के मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, तो ये उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड के बाद मेरी वीडियो जो है वो क्या रिलेटेड है कि रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स को कैसे वायरल करें, तो हाउ टू वायरल अ शॉर्ट वीडियो, ये मैंने सर्च किया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी अगर कीवर्ड होते तो वो उस समय आ जाते हैं। तो ये आप अपने लिए जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख के इसमें कर सकते हैं। फिर और नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद एनी टॉपिक्स पे क्लिक करेंगे, आपका जिस भी विषय पे वीडियो हो, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, ऑटो, व्हीकल्स, ब्यूटी एंड फिटनेस, बुक्स एंड लिटरेचर, बिजनेस इंडस्ट्री, कंप्यूटर, फाइनेंस, इसमें से आप कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फाइनेंस को ही क्लिक करता हूँ, तो फाइनेंस पे आने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बैंकिंग का मिल जाएगा, क्रेडिट का मिल जाएगा, और उसके अंदर भी जाएँ जैसे बैंकिंग करते हैं तो ATM से रिलेटेड है, डेबिट और चेक अकाउंट से रिलेटेड है, तो ये सारी जानकारी इसमें हमको मिल जाएगी। तो यहाँ से हम अपने टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफाई वीडियो के लिए एकदम परफेक्ट ऑडियंस। इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद करते ही यहाँ पे अब हम पूरा काम इसमें कर चुके हैं अपना। तो इसमें हमको अपनी बिडिंग सेट करनी है कि एक व्यू पे कितना पैसा कट जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें 10 पैसा डालता हूँ, 10 पैसा डालते ही वो भी दिखा नहीं रहे क्योंकि जब तक मैं अपनी वीडियो की लिंक नहीं डालूंगा। गेट शेयरेबल लिंक, यूट्यूब से अपना लिंक उठा लूंगा और यहाँ नीचे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करते ही मुझसे पूछ रहा है कि स्किपेबल ऐड दिखाना है या उसके नीचे इन फीड दिखाएं, तो इन फीड दिखाना है। इन फीड यानी कि स्क्रोल अप करता जाएगा अगर कोई अपनी यूट्यूब चलाते चलाते, तो उसमें मेरी वीडियो उसको दिखाई देगी। और उसके ऊपर जो स्किपेबल है वो ये है कि अगर कोई वीडियो, कोई सी भी वीडियो चालू करता है तो उसके स्टार्टिंग में ही मेरी वीडियो चल जाएगी, उसके बाद वो 5 सेकंड बाद चाहे तो स्किप कर दे चाहे तो पूरी देखे। ये 2 ऐड के तरीके हैं इसमें। तो मैंने इनफिट कर दिया है इसमें। इनफिट करने के बाद यहाँ पे हेडलाइन दे देना है, फिर Description 1, Description 2 देना है। इसमें तीनों में हमको अलग अलग नाम लिखना है। तो पहले में मैं लिख देता हूँ हाउ टू वायरल शॉर्ट वीडियो। अब उसके नीचे मैं और लिख देता हूँ एक दूसरा हाउ टू वायरल अ वीडियो। अब उसके नीचे एक और पूछ रहा है Description 2। यहाँ पे भी हमें कुछ अलग लिखना है हाउ टू प्रमोट शॉर्ट वीडियोस। ये मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिया है। अब यहाँ पे मेरा ऐड यहाँ पे दिखाएगा जो मैंने 10 पैसा डाला है। इसको मैं फिर से करता हूँ, तो ये 10 पैसा डाला है, तो 10 पैसे में तो हालांकि ये नहीं चलेगा। ये राइट हैंड साइड पे हमको ये अवेलेबल इम्प्रेशन दिखा रहा है, यहाँ पे हमको सजेस्ट कर देगा कि हमको कितना अमाउंट इसमें देना ठीक रहेगा, 20 पैसा, 30 पैसे, 40 पैसा। तो मैं इसमें अभी 35 पैसा डाल देता हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे।
35 पैसे कर देता हूँ मैं इसमें, कि एक व्यू पेज में मेरा 35 पैसा कट जाएगा। ये करने के बाद हमको नीचे आके इसमें क्रिएट अ कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अ कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही जैसा आप देख सकते हैं लिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर कैंपेन इज रेडी, और कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करते ही देखेंगे कि ये हमारा वीडियो इनफीड वीडियो में आ चुका है। अब ये 24 से 48 घंटे के अंदर वीडियो हमारा लाइव हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि जो आपको गलती नहीं करनी है वीडियो बनाते समय, कि आपने ये पूरी तरीके से पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने वीडियो बनाया उसके बाद भी आपका ऐड ना चले। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी जाके, जिसका मैंने वीडियो आपको बना के दिखाया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स का और यूट्यूब शॉर्ट्स का यहाँ पर लोगो बना हुआ है। तो अगर ये थंबनेल में इसका लोगो बना है तो ये वीडियो ऐड नहीं चलेगा, ये ट्रेडमार्किंग में आ जाएगा तो ये नहीं चलेगा। और अगर इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके का मीम या किसी भी तरीके का कॉपीराइटेड म्यूज़िक वगैरह हम इसमें यूज़ करेंगे तो ये नहीं चलेगा, तो ये अपने आप ही रुक जाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा, भले 48 घंटे हो जाए या 72 घंटे हो जाए वीडियो रन ही नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।